मैं तब काल बाथरूम से आ रहा हूँ और तब अपने सामान की सुरक्षा करूंगा, जब तक मैं नहीं आऊंगा मेरे सामान की आप सुरक्षा से देख रहे हैं। पहले तुम भले आदमी कह दे भाई हमसे आपको परिचय नहीं है, ये ट्रेन की यात्रा है, मैं कैसे आपके वस्तुओं को देखूं, नहीं मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं बाथरूम में जाऊंगा अपनी दिनचर्या करके मैं लौटाऊंगा, मान गया। और वो व्यक्ति चला गया, जाते जाते एक दो स्टेशन आगे पार हुआ, जिसने अपने बक्से को इस व्यक्ति को सौंपा था, जिम्मेवारी दिया था, वो व्यक्ति उतर गया और जिसको जिम्मेवारी दिया था वो अपनी निगरानी के साथ उस बक्से की अपने आप देख रेख कर रहा था, कब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। संयोग से ट्रेन में कोई घटना घट गई किसी प्रकार की, अचानक जांच शुरू हो गई, मजिस्ट्रेट चेकिंग, जहाँ से अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ, सब अपने अपने सामानों को दिखाने लगे, प्रशासक प्रशासन को दिखाने लगे। उस व्यक्ति ने कहा मैं सब सामान मैं दिखा दूंगा, लेकिन एक व्यक्ति ने हमें बक्सा दिया है जिमा, इसको मैं नहीं दिखाऊंगा बिना उसके आए हुए, क्योंकि हमको जिमा सौंपा होगा। लोगों की शंका बढ़ गई, जो रेल अपने आप में शासक थे शंका बढ़ी, क्यों नहीं दिखाना चाहता था। और जे उस बक्से को अपने आप में तोड़ा गया तो तोड़ने के बाद उसे बालक का लाश कटा हुआ रखा हुआ था, बालक का लाश कटा हुआ रखा हुआ था। अब किसी के भाई को जरूरत पड़ेगी नहीं, आप तो कह नहीं सकते हैं कि दूसरे का है अपने आप में। वो व्यक्ति कहता है सफाई दे रखे मेरा कोई दोष नहीं है, अमुक जगह अमुक व्यक्ति ने हमें अपने आप दिया था, वही किसका है, मेरा ही नहीं, हमें जिम्मेवारी दिया था, लेकिन प्रशासन मानेगी नहीं मानेगी, उनको जेल की सजा हो गई, आजीवन कारावास का, मृत्यु दंड फांसी की सजा सुना दी गई, समय से न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। अंत में न्यायाधीश ने जब फांसी की सजा होने लगी तो अंतिम च्वाइस पूछा जाता है जिसकी फांसी की सजा होती है कि तुम्हारे जीवन में क्या इच्छा है बताओ, क्या खाने की इच्छा है, क्या है, अंतिम पूछा जाता है, पूछा क्या चाहते हो तुम, न्यायाधीश ने पूछा, जज साहब ने पूछा और पूछते हुए कहा अच्छा ये बताओ क्या तुमने इस बालक को हत्या किया था कि नहीं किया था, कि सर हत्या की बात तो छोड़ दीजिए मैं जानता था नहीं, ये तो किसी व्यक्ति ने हमारा साथी बनकर के हमको बक्से का जिम्मेवारी दे दिया था और इसी कारण से हुआ। जय सर सही बताओ क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा घटना हुई है, क्या तुम कभी ऐसा कोई कार्य किए हो, क्या अपराध किए हो, क्या इसमें ठीक है ट्रेन की यात्रा में तुमने नहीं किया है, ऐसा क्या तुम्हारे द्वारा हुआ है। न्यायाधीश ने पूछा बहुत देर तुम याद दिलाते नहीं साहब ऐसा तो हुआ ही नहीं है, नहीं याद दिलाओ। अंत में कहा एक बार हुआ है, मेरे भाई का इकलौता पुत्र था, मैं धन के लोभ से उसको जब 6 महीने का था उसी को काट करके और मैंने गाड़ दिया था। न्यायाधीश ने कहा देखो उस समय तो तुम बच गया, लेकिन देखो इसमें नहीं करने के बाद में तुम फंस गए, उस समय तो तुम बच गया, अपने भाई के पुत्रों को काट कर धन लाभ के लिए कर लिया, उस समय तुम बच गया, लेकिन वो पाप देखो वो अपराध देखो ये भी तुम्हारे तुम कुछ नहीं जानते हो, अब तुमको आजीवन कारावास का फांसी की सजा हो गई। तब समय भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषम, कभी कभी देखा जाता है कोई गलत कामों करता है उसमें कुछ नहीं होता है, जो नहीं करता है उसमें फंस जाता है, ये देखा जाता है कभी कभी, इसलिए हमारे किए हुए कर्मों का फल ही हम और आपको प्राप्त होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। महाभारत का एक उदाहरण देकर के आगे मैं कथा में प्रवेश कर जाऊंगा। महाभारत में प्रसंग आती है कि एक सती साध्वी स्त्री का एक लौता पुत्र, एक दिन काला नाग ने दस्त लिया, महाभारत में विस्तार से कथा था, एक सती साध्वी के एक लौते पुत्र को एक काला नाग ने दस्त लिया काट दिया, वो सती साध्वी अपने पुत्र के चरणों को हाथों को पकड़ करके रो रही थी कि आखिर मैंने कौन सा पाप किया, मेरे किस पाप के कारण मेरे इकलौते पुत्र को सर्प ने काट दिया, अगर मैंने पाप किया है तो कोई बताए और सर्प भी बताए कि मैंने कौन सा पाप किया। रो रही थी बिलख रही थी उसी समय अचानक एक शिकारी आ गया, सपेरा, एक सपेरा आया और सपेरा ने कहा माता जी क्यों रो रही हो, उस सती साध्वी ने कहा मेरे इकलौते पुत्र को सर्प ने काट दिया, आखिर मैंने कौन सा पाप किया था कि मेरे पुत्र को सर्प ने काट दिया। सपेरा ने कहा अभी मैं सर्प को पकड़ करके लाऊंगा आपके सामने उसे पूछूंगा आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सपेरा ने अपने विद्या द्वारा सर्प को पकड़ लिया। लोग कभी कभी कहते हैं कि महाराज जी क्या मंत्र मंत्र होता है क्या, कुछ कहते हैं मंत्र मंत्र होता है क्या, ये पूछने की बात है जी।
मंत्र माने क्या होता है? विद्या। अरे विद्या ही तो है। आपके पास मोबाइल है, एक बटन को दबाते हैं तो फोटो खींचा जाता है, एक बटन को दबाते हैं तो अपना फोटो को स्टॉक कर लेते हैं अपने आप में, और एक बटन दबाते हैं तो डिलीट हो जाता है। ये विद्या नहीं है, ये क्या है बताइए नहीं, क्या है? एक रिमोट को दबाते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, एक रिमोट कुछ दबाते हैं गाड़ी चलने लगती है, ये विद्या नहीं है तो क्या है? एक रिमोट को दबाते हैं तो किवाड़ खुल जाता है, फाटक खुल जाता है, और एक रिमोट को दबाते हैं तो बंद हो जाता है, ये विद्या नहीं है तो क्या है? वो विद्या लागू हो सकता है, ये विद्या लागू नहीं हो सकता है? विद्या है, इसको नकारा नहीं जा सकता। हाँ, कभी कभी लोग पूछते हैं महाराज पूजा पाठ धर्म कर्म में अपना बहुत बड़ा धर्म का कुशला हो गया। लोग कहते रहते, कभी प्रश्न करते हैं। हम एक बार झारखंड में थे तो हमसे लोगों ने ऐसा प्रश्न किया कि महात्मा जी इसमें बहुत धूम ढकुशला पूजा पाठ धर्म कर्म हो गया, तो हमने कहा कहना क्या चाहते हैं बता दीजिए, तो कैसे विश्वास होगा? तो मैंने उनसे प्रार्थना की व्यवहारिक भाषा में कैसे बताइए कि आपको कहीं अपने आप में सर्दी और खांसी हुआ होगा, तब क्या करेंगे? क्योंकि महाराज सर्दी खांसी और जपला जाकर दवाई ले लेंगे। तो उन्होंने कहा, हमने कहा जपला दवाई नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? हमने कहा डाल्टनगंज जाएंगे। हमने कहा वहाँ नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे आप? कहे रांची जाएंगे। हमने कहा रांची में अगर दवा नहीं मिलेगी तब क्या करेंगे? कहे पटना जाएंगे। हमने कहा पटना नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे आप? उन्होंने कहा कि बनारस जाएंगे। हमने कहा बनारस भी अगर दवा अनुकूल नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? कहे दिल्ली जाएंगे। हमने कहा दिल्ली भी अगर अनुकूल नहीं पड़ेगा तब? सल्फास गोली खाएंगे, कैलोरी के शीशी पिएंगे। बोलिए, सल्फास की गोली खाएंगे, कैलोरी का शीशी पिएंगे? ऐसा तो होगा नहीं। दवा नहीं भी अनुकूल मिलने पर अच्छे डॉक्टर से राय लेकर के दवा ही खाया जाएगा, सल्फास की गोली और कैलोरी का शीशी नहीं पिया जाएगा। ठीक वही बात है, जहां अपने आप में एक नंबर है वही दो नंबर है। कभी आपने सुना है 300 रुपया का जाली नोट? सुना क्या? बाजार में कहीं चलता है क्या? 400 रुपए का जाली नोट चलता है? नहीं चलता है। क्योंकि लोग जानता है जाली नोट बनाने वाला भी अगर 300-400 का बना भी देंगे तो मान्यता प्राप्त सरकार की नहीं नोट है, अतः चलेगी ही नहीं, खुलेगा नहीं। जब भी होगा जो मान्यता प्राप्त है उसी नोट में जाली नोट को फेर दिया जाएगा। ठीक वही बात है, अपने आप में जहाँ धर्म है जहाँ अच्छा है वही बुरे लोग होंगे, ऐसा जान करके हम बुरे कर्मों को नहीं पकड़ लेंगे। कुछ लोग कहते रहते अपने आप में कहीं अच्छे कामों में कहीं किसी प्रकार के इधर उधर हो रहा हो तो हम बुरे मार्गों को नहीं पकड़ लेंगे, इसलिए जब भी हम पकड़ेंगे अच्छे मार्ग को ही पकड़ेंगे। यही बताया गया। वह सती साध्वी रो रही थी, सपेरा आया और सपेरा ने आकर के अपने विद्या द्वारा सर्प से पकड़ लिया, और सर्प को पकड़ने के बाद कहता है सर्प ये बताओ इस सती साध्वी के इकलौते पुत्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, इसको क्यों तुमने काटा, क्यों डसा? सर्प ने कहा कि मैं किसी को डसता नहीं हूं, मैं किसी को काटता भी नहीं हूं, मैं कहां किसी को काटता हूं, रोज मैं रहता हूँ हर जगह मैं रहता हूँ, कहाँ किसी को मैं काटता हूँ। काल की जब प्रेरणा होती है तब मैं किसी को काटता हूँ, और काल की नहीं जब प्रेरणा होती है तो मैं किसी को नहीं काटता हूँ। बात ठीक है, नकारा नहीं जा सकता है, हमेशा हमारे साथ हम रहते ही हैं। कहीं किसी ने किसी उसी रास्ते से जा रहे हैं, कोई घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है ना। अगर सही में रोड रास्ता गाड़ी ही खराब है तो रोज गाड़ी से एक्सीडेंट होना चाहिए, एक कभी हो जाता है। काल है, वो काल जो है वह अपने कभी हमें ऊंची स्थिति को कभी नीचे स्थिति को कभी मध्यम स्थिति को प्राप्त कराता है। अतः काल ही किसी को जय और किसी को पराजय, किसी को लाभ किसी को हानि, अपने आप में कहीं हर्ष कहीं शोक, वही काल है कि घर में अपने आप कहीं शनिचर अतवार सोमवार मंगल बुध शुभ इत्यादि जो है उसमें कहीं घर में पुत्र होता है तो थाली बजाया जाता है, ताली बजाया जाता है। वही काल है कहीं अपने आप घर करो कहीं उसी अतवार सोमवार मंगल बुध बेफे शुभ शनिचर में कहीं चले जाते हैं तो छाती पर हाथ पीट करके रोया जाता है। अगर सही में दिन खराब ही होता तो सबके लिए खराब होता, हर व्यक्ति के लिए खराब होता, हर स्थिति में खराब होता, कभी उसी के द्वारा मंगल और कभी अमंगल होता है। सर्प ने कहा कि मैं किसी को काटता नहीं हूं, जैसे काल की प्रेरणा होती है वही मैं काम करता हूं।
सपेरा ने कहा सब सुनो, तुम्हें भी दंड दूंगा और काल तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा तुमको काटने के लिए प्रेरणा क्यों दिया? उसी समय काल देव भी आ गए। ए भले आदमी शिकारी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे को तुम नाराज हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सपेरा ने कहा कि आपने सर्प को काटने के लिए प्रेरित क्यों किया, प्रेरणा क्यों दिया? क्योंकि सर्प कह रहा है कि काल के प्रेरणा से ही मैंने सती साध्वी के कलवते पुत्र को काटा है। काल ने कहा इसे मेरा दोष नहीं है, मैं तो रोज गुजरते रहता हूँ, अतवार समार मंगल बुध व्यापार शुभ शनिचर घंटा मिनट सेकंड रात दिन, ये तो रोज गुजरते रहता है।